लाख रुपए की मशीन बनी कबाड़। हरदा शहर से निकलने वाले कचरे को एक जगह एकत्रित कर उसे नष्ट करने के लिए लगभग 10 साल पहले नगर पालिका ने 50 लाख रुपए की अपृष्ठ प्रबंधन मशीन खरीदी थी, लेकिन आज तक इस मशीन का उपयोग नहीं किया गया। गांव रिछाड़िया में यह मशीन खेत में जंग खा रही है। वहीं शहर के मुक्तिधाम के पास पिछले साल स्थापित किया गया कचरा ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद पड़ा हुआ है, जो महज दिखावा बनकर रह गया है। लाखों रुपए की योजनाओं को नगर पालिका ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। खेत में लावारिस हालत में पड़ी मशीन नगर पालिका ने ग्राम रिछाड़िया में लगभग 2.5 एकड़ के रकबे को कचरे एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थापित किया था। मशीन के लिए टीन शेड, बिजली व्यवस्था और कचरा एकत्रित करने के लिए फर्श भी बनवाया गया था। अपशिष्ट प्रबंधन मशीन में कचरे को नष्ट करने के साथ ही जैविक खाद बनाने की योजना बनाई गई थी। साथ ही अलग अलग कार्यों में करने के लिए 30 लोगों को काम पर रखा भी जाना तय किया गया था, किंतु नगरपालिका ने मशीन लगाने के बाद इसका उपयोग ही नहीं किया। नतीजतन सालों से मशीन धूल खा रही है। आज पूरी मशीन में जंग लग गई है, वहीं कुछ पार्ट्स भी गायब हो चुके हैं। बिजली सप्लाई के लिए लगाए गए बोर्ड एवं वायर का भी कोई पता नहीं। नगरपालिका की अनदेखी की वजह से करीब 50 लाख की मशीन शहर के 5 किलोमीटर दूर खेत में लावारिस हालत में पड़ी हुई है। यदि जल्दी ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मशीन के पार्ट्स और भी गायब हो जाएंगे। एक साल में ही बंद हुआ था ट्रीटमेंट प्लांट। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष नवंबर माह में नगरपालिका ने एक कंपनी से अनुबंध करके मुक्तिधाम के बाजू में कचरा ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया था। कचरे से जैविक खाद बनाने एवं इसे किसानों को बेचे जाने की योजना बनाई गई थी। वहीं शहर से आने वाले कचरे को एकत्रित करके उसकी छटाई कर पन्नियों में पैकेजिंग, कांच, लोहा एवं अन्य चीज़ों को एकत्रित कर उद्योगों को बेचने की प्लानिंग भी बनाई गई थी, जिस पर नगरपालिका के मुक्तिधाम के गेट के नदी वाले छोर पर प्लांट शुरू किया गया था। नगरपालिका के सफाई कर्मचारी शहर में कचरा प्लांट पर कचरा पहुंचा रहे थे। कुछ महीने तक यह काम सक्रियता से चलता रहा, लेकिन आज सब बंद हो गया है। ये कुछ केमिकल की कमी थी, ठेकेदार से मेरी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि वो ये चुनाव आचार संहिता भी चल रही थी उस समय बीच में, इस वजह से व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी तत्काल जो है व्यवस्था वहाँ हो रही है और जल्दी से जल्दी होकर मशीन चालू हो जाएगी। और रहा सवाल डिस्पोजल का, तो अभी हरदा का और होशंगाबाद और बैतूल तीनों जिलों के लिए क्लस्टर मशीन वहाँ लगेगी होशंगाबाद के पास में, और सारी जगह का कचरा जो है वो वहाँ इकट्ठा होकर के और उसका डिस्पोजल होगा। सर, रिछाड़िया गांव की जो मशीन है वो मेरे भी आने के और बहुत पहले से लगी हुई मशीन है, उसमें क्या है वो मुझे दिखवाना पड़ेगा, अभी मेरे को उसकी जानकारी।